हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3 ये वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। बट उसके पहले हमें दिए हैं एडिशन ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर, तो पहले हम वो कर लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सरसाइज 9.3 का। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग नंबर, एट द फॉलोइंग नंबर्स वन हैज बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट हमें ए से लेके एच तक है वो एक्सरसाइज दी है, जो हमें 1-1 डिजिट के सम्स दिए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है वो हमें दिया हुआ है, तो हम बी नंबर से स्टार्ट करेंगे। बी नंबर में हमें दिया है 5+4, सी नंबर में 7+2, डी नंबर में 6+0, ई नंबर में 5+3, एफ नंबर में 4+4, जी नंबर में 2+2 एंड एच नंबर में 6+0। ये हमें क्वेश्चंस दिए हैं हमारे टर्म बुक में पेज नंबर 124 पे। ये एक्सरसाइज दी है हमें पेज नंबर 124 में। तो अब हमें सम्स है वो काउंट करने हैं, यानी कि ऐड करना है। जो फर्स्ट नंबर दिया है उसमें हमें सेकंड नंबर है वो ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमें 5 दिया है, तो हम 5 सर्कल करेंगे। आपको इसमें स्ट्रिक ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐड कर भी सकते हैं, बट हम सर्कल करके कर रहे हैं। तो हमें दिया है 5+4, तो पहले हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। हमने 5 लाइन ड्रॉ की, नेक्स्ट हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने 4 लाइन जैसे हमें एग्जांपल में दिया है लाइन ड्रॉ करके वैसे ही हमें काउंट करना है। तो प्लस पहले हमने 5 है तो 5 की एंड फिर 4 है तो 4 लाइन ड्रॉ की। अब हमें ये काउंट कर लेना है कितनी लाइंस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो आंसर इज 9। नेक्स्ट है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सेवन है नेक्स्ट, हमें दी है 2 लाइन 1 एंड 2, 7 में 2 ऐड कर दो। अब जो हमें 7 लाइन दी है एंड 2 लाइन दी है वो हमें सब काउंट कर लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो आंसर इज 9। 7 में 2 ऐड करेंगे तो उसका आंसर 9 आएगा। नेक्स्ट हमें दिए हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 0 है तो हमें कोई भी लाइन करनी नहीं है, तो 6 के 6 ही हमें लिख देने हैं। नेक्स्ट हमें दिए हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, नेक्स्ट दिए हैं 3, 1, 2 एंड 3, तो 5 एंड 3 कितने हो जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आंसर इज 8। अब नेक्स्ट हमें दिया है एफ नंबर में 4, 1, 2, 3 एंड 4, नेक्स्ट है 4। अब हमें 4 एंड 4 कितने हो जाते हैं 8, तो आंसर क्या लिखना है 8। नेक्स्ट है 2 एंड नेक्स्ट है 2, 2 एंड 2, 4, आंसर इज 4। फिर हमें दिए हैं 6, एच नंबर में इधर हमें 5 दिया है, 6 नहीं 5 दिए हैं,
तो फाइव है तो हमें कितने सर्कल करने हैं, फाइव लाइंस ड्रॉ करनी है, फाइव लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट हमें दिया है ओ, यानी कि जीरो, जीरो में कोई भी लाइन हमें करनी नहीं है, तो आंसर इज फाइव के फाइव ही आ जाएंगे। जीरो है यानी कि हमें कोई भी सर्कल करने नहीं है, जहां पर मैंने क्रॉस किया है यानी कि कोई भी सर्कल हमें या लाइंस ड्रॉ करने नहीं है। ये आपको कंप्लीट कर लेना है पेज नंबर 124 पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग। एड द फॉलोइंग जो हमें दिए हैं, उसमें हमें वंस एंड टेंस भी दिए हैं, टेंस एंड वंस। तो हमें नंबर दिया है 2, 3 प्लस 2। नेक्स्ट है बी नंबर 4, 1 tens and ones, 4, 1 plus 3। Next दिया है C number, C number में हमें दिए हैं 5 and 3 plus 3। ये हमें 3 questions दिए हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहले हमने 1 डिजिट के सम सीखे थे, अब हम 2 डिजिट के सम से हम करने वाले हैं। तो हमें 2 डिजिट के सम दिए हैं, तो हमें पहले कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट हमें इस साइड से यानी कि 10 से स्टार्ट करना है, तो पहले हम 3 1 2 3, हमें एक जब प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे या सर्कल ड्रॉ करके है क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो 3 है तो हमें 3 सर्कल करने हैं, 2 है तो 2 सर्कल करने हैं। अब हमें क्या करना है, सभी को काउंट कर लेना है, तो 1, 2, 3, 4 and 5 कितने सर्कल हो गए, 5 सर्कल हुए, तो हमें लिख देना है 5। एंड 2 के नीचे कोई भी नंबर इधर हमें नहीं दिया है, तो 2 का 2 ही लिख देना है हमें। जब कोई भी नंबर ना हो तो हमें 2 का 2 ही लिख देना है। नेक्स्ट हमें दिया है 1 and 3, तो 1 and 1, 2, 3 and 4, एंड 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो आंसर इज 4। तो आंसर क्या आएगा, 44। नेक्स्ट है हमें जो दिया है 3, तो 3 सर्कल। नेक्स्ट है 3, तो 3 सर्कल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करने हैं, 6 हो जा रहा है। और 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हमें 5 का 5 ही लिख देना है। ओके स्टूडेंट, ये आपको कंप्लीट करना है आपके टर्म बुक में।
में ये आपको मैथ्स की फेयर बुक में लिखने हैं सम्स एंड फिर हमें काउंट करने हैं। अब हमें इस सम्स में क्या करना है, जैसे हमने पहले किए थे सम्स वैसे ही हमें इसमें भी ऐड करना है। तो फर्स्ट हमें दिया है 5, 2 एंड 6, तो फर्स्ट हमें दिया है 2 एंड 6 यानी कि हो जाते हैं 6 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या होगा, पहले हम 2 सर्कल है तो 2 सर्कल एंड 6 है तो 6 सर्कल, तो ये कितने हो जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट हमें 5 दिया है तो 5 के नीचे आप चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर दिया है तो नहीं दिया है तो हमें जो नंबर्स दिया है हमें वही लिख देना है। इधर आ जाएगा 8 एंड 6 के 6 हमें डाउन कर देने हैं क्योंकि नंबर्स नहीं है 6 के नीचे इसलिए हमने 6 के 6 ही लिख दिए हैं। इधर हमें दिया है 5 एंड 1 1 एंड 5 तो आंसर इज 6 एंड 4 है वो डाउन कर देना है, 4 के नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया है तो हमें 4 का 4 ही लिख देना है। 8 एंड 1 आंसर इज 9 एंड 1 के नीचे कोई भी नंबर दिया है
नहीं दिया है, तो आंसर इज वन। सिक्स एंड थ्री, थ्री है तो थ्री सर्कल, सिक्स है तो सिक्स सर्कल। फिर इन्हें काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आंसर इज नाइन। एंड थ्री के नीचे सेकेंड नंबर में कोई भी नंबर हमें दिया है तो नो, तो आंसर इज थ्री का थ्री ही है, वो हमें लिख देना है। नेक्स्ट हमें दिया है टू एंड थ्री, आंसर इज फाइव, एंड एट के एट भी डाउन कर देने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.5। 9.4 है वो कंप्लीट हो रहा है, 9.5। 9.5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें एड द फॉलोइंग ही करने हैं। मैं सिर्फ इधर टेंस एंड वंस लिख रही हूँ, टी यानी कि टेंस, ओ यानी कि वंस। आपको पूरा दिया है टेंस एंड वंस, यहाँ पे टर्म बुक में है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, थ्री एंड फाइव प्लस सिक्स एंड थ्री, थ्री नंबर एट फोर। फिर हमें उसमें क्या ऐड करना है, वन है वो ऐड करना है। फोर्थ नंबर है सेवन फाइव प्लस टू एंड जीरो, नेक्स्ट
दिया है फाइव नंबर, फोर सिक्स प्लस थ्री, नेक्स्ट है सिक्स नंबर, थ्री फोर प्लस फाइव, नेक्स्ट है सेवन नंबर, सिक्स एंड वन, सिक्स एंड वन प्लस थ्री, नेक्स्ट है एट नंबर, फाइव सिक्स प्लस थ्री एंड टू। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इन्हें काउंट कर लेना है। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है जो आपको आपके टर्म बुक में ही करने हैं। कोई सर्कल हमारा
5, 6, 7, 8 तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है आपके मैथ्स की टर्म बुक में। ये आपको आपकी मैथ की सम बुक में कर लेने हैं कंप्लीट, जो सम्स मैंने अभी बोर्ड पे करवाए हैं वो। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें जो एक्सरसाइज अभी ये कंप्लीट की है इसके पीछे हमें एक्सरसाइज पेज नंबर 126 पे, ये एक्सरसाइज अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सम्स दिए हैं 9 नंबर से वो आपको होमवर्क में करने हैं, वो आपका होमवर्क है। फिर हमें दी है नंबर स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, नंबर स्टोरी दी है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नंबर स्टोरी दी गई है। नंबर स्टोरी में आपको फर्स्ट नंबर में जो एक एग्जांपल दिया है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जांपल। ये एक्सरसाइज जो आपको 9 नंबर से 22 सम्स दिए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट है हमारी नंबर स्टोरी, नंबर स्टोरी में दिया है नंबर ऑफ द स्टिकर्स रावी है 43 एंड नंबर्स ऑफ द स्टिकर बेबी है 35। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। जैसे हमें दिया है 43 प्लस 35 अगर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 78। फिर हमें सेकेंड नंबर जो नंबर स्टोरी दी गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नाउ योर टुडेज होमवर्क, होमवर्क पेज नंबर 126 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। 1 से 8 तक के सम्स हमने कंप्लीट किए थे, एंड द फॉलोइंग सम मैं नंबर्स लिख रही हूँ, नंबर 9 से लेके 22 तक कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट इन टर्म बुक। ओके, ये होमवर्क है आपको, क्या करना है आपको होमवर्क में पेज नंबर 126
इन योर मैथ।